यौन शोषण मामले में रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह और उसके परिवार की आने वाले दिनों में मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पंचकुला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को नामजद करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा। इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार गुरमीत राम रहीम सिंह की मदद कर रही है और जेल मंत्री गुरमीत राम रहीम सिंह से मिलकर आए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिंसा और आगजनी के आरोपी डेरे में छिपे हुए हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने जेल मंत्री कृष्णलाल पवार से पूछा कि वो अदालत को यह बताएं कि उस दिन जेल मंत्री ने सुनारिया जेल के अलावा प्रदेश की किन किन जेलों का निरीक्षण किया था। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या कुछ कार्रवाई हुई, इस मामले में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने याचिकाकर्ता रामकुमार बिश्नोई से। पंचकुला हिंसा और अगजनी के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को नामजद करने के लिए दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं याचिकाकर्ता रामकुमार बिश्नोई, इनसे जानते हैं। जी बिश्नोई, आज मेरी इस आगजनी पंचकुला हिंसा में आगजनी में इस राम रहीम को दोषी बनाने के लिए याचिका लगाई हुई थी और उस पे सुनवाई के लिए आगे तारीख दे दी गई है और हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार जो है वो इन बाबे की मदद कर रही है। जेल मंत्री भी जो है जेल में जाके इसे मिलके आए हैं और जो आगजनी में मुलजम थे वो डेरे में ही छुपे हुए हैं, उनको अभी तक हरियाणा पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। क्यों के ये हरियाणा सरकार का उन पर ये है, आगे इलेक्शन आने वाले हैं और ये बाबे से उम्मीद रखे बैठे हैं कि हमारी कुर्सी कायम रह जाएगी, इसलिए ये मिल रहे हैं। बिश्नोई जी, आपने कहा है कि जेल मंत्री जो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह से जेल में मिलकर आए हैं, जबकि जेल मंत्री का कहना है कि वो जेल का निरीक्षण करके आए हैं। वो निरीक्षण तो उनके अंदर जाने का एक बहाना है, राम रहीम को मिलने का एक बहाना है कि उससे ये पता करके आए कि मतलब वो क्या चाहता है या दूसरा हमारी मदद भी करेगा नहीं करेगा, वो तो उनकी बातचीत है, वो तो अंदर की बात है उनकी। लेकिन उससे मंत्री जी ये कोर्ट को बताए, आम पब्लिक को बताए कि कौन कौन सी जेलों की और उसने सुनारिया के अलावा निरीक्षण किया है, ये इसको सुविधा देने के लिए अंदर जा रहे हैं और उसको ये बता रहे हैं कि हम देख तेरे साथ हैं। ये थे मेरे साथ याचिकाकर्ता रामकुमार बिश्नोई, इनका कहना है कि जेल मंत्री राम रहीम सिंह को जेल के अंदर मिलकर आए हैं, वो ये बताएं कि इसके अलावा प्रदेश की किन किन जेलों का निरीक्षण किया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।